नगरी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद समाप्त होने के बाद जहां मंदिर निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया तो वहीं धन्यपुर मस्जिद निर्माण की भी तैयारी है, लेकिन इस मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर आज भी राजनीति बंद नहीं है। जहां सांसद ओवैसी ने मंदिर ही नहीं अब धन्यपुर बनने वाली मस्जिद निर्माण पर भी विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी ही नहीं बल्कि महंत परमहंसदास ने ओवैसी पर नफरत भड़काने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने ओवैसी चेतावनी दी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का काम ना करें। तपस्वी छावनी के महंत परमहंसदास ने कहा कि एक सांसद होकर के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक भाषण देना निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में है। ओवैसी देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण देकर लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर धन्यपुर में जो निर्माण हो रहा है उसको लेकर अगर यह प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो यह न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है। न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किसी को अधिकार नहीं है। यह संवैधानिक है, अमर्यादित है, भड़काऊ भाषण है और अशुद्दीन ओवैसी के भाषण पर राष्ट्र को लगना चाहिए। इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। यह जब देखो तब हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाने की बात करते हैं। अशुद्दीन ओवैसी का भाषण हमेशा भड़काऊ होता है। कभी इन्होंने देश हित में बात ही नहीं की, अपने निजी स्वार्थ में हमेशा लोगों को लड़ाने की बात करते हैं। देश के मुसलमानों को इनसे सावधान होकर कि ओवैसी जैसे नफरत फैलाने वाले मुस्लिम हैं, इनको देश का गद्दार समझ करके इनको दरकिनार करने की आवश्यकता है। बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा, मैं जो 5 एकड़ जमीन मिली है उसमें स्कूल बन रहा है, मस्जिद बन रही है, हॉस्पिटल बन रहा है। उन्होंने फतवा जारी किया है कि कोई उसमें नमाज ना पढ़े, चंदा ना दे। कौम को चाहिए कि उनकी बात का बिल्कुल ध्यान न दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है वह काम हो रहा है, उसको होने दें। अब सारे विवाद खत्म हो चुके हैं, हिंदू मुसलमानों में एकता है। अब अमन चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। अब मस्जिद और मंदिर की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दें और मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़े। एक सांसद होकर के अब इस तरह से गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक जो है भाषण देना, यह निश्चित रूप से देशद्रोह की श्रेणी में है। असदुद्दीन ओवैसी जो है देश का ऐसा गद्दार व्यक्ति है जो हमेशा भड़काऊ भाषण देकर के और लड़ाने की बात करता रहता है। जब सर्वोच्च न्यायालय ने जो है तो आदेश दिया है और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट पर धन्नीपुर में जो भी वहां निर्माण हो रहा है उसको लेकर के अगर जो है तो ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है तो ये न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह है और न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का किसी को राइट नहीं है। यह जो है असंवैधानिक है, अमर्यादित है, भड़काऊ भाषण है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो है इनके ऊपर तो जो है तो राष्ट्र का बल लगना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये जब देखो तब जो है हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमेशा लड़ाने की बात करते हैं और असदुद्दीन ओवैसी का जब देखो ये जहर भरा भाषण होता है इसका। जब मैंने इसका स्टेटमेंट सुना कभी जो है ये देशहित की बात नहीं किया, जब हुआ ये अपने निजी स्वार्थ में केवल एक दूसरे को लड़ाने के अलावा इसके पास राजनीति में और कुछ बचा ही नहीं है। देश के मुसलमानों को इससे जो है सावधान होकर के और असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नफरत फैलाने वाले मुस्लिम हैं इनको देश का गद्दार समझ करके इनको दरकिनार करने की आवश्यकता है। पिछले सवाल अयोध्या का रहा, 5 एकड़ जमीन का रहा, धन्यपुर में जो जमीन 5 एकड़ मिली है उसमें स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, मस्जिद बन रही है। और सवाल जो है ओवैसी जी का है, ओवैसी जी ने जो भी कुछ कहा है उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि लोग उसमें नमाज ना पढ़ाएं और उस पर चंदा ना दें। कौन को चाहिए कि उनकी बात का ध्यान बिल्कुल ना दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर दिया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, उस पर काम जो है हो रहा है, उसको जो है काम होने दें, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों का जो है एक मुकदमा रहा वो खत्म हो चुका है। अब हिंदू मुसलमानों में एकता है और हिंदू मुसलमानों में एक अमन और चैन की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। अब जो है मंदिर और मस्जिद की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवैसी साहब को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दें जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए वो ठीक नहीं है।